आप यहाँ पे अगर आके नहीं खा पाएंगे तो आप घर पे जरूर इसे ट्राई करिएगा। इसकी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। अभी आपको मैं बता दूँ, संजय जी के सिर्फ पकौड़े ही फेमस नहीं है, इनका ब्रेड पकौड़ा भी बहुत फेमस है। ये ब्रेड पकौड़ा कैसे बनेगा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे इन्होंने ब्रेड में ये आलू डाला है। संजय जी, आलू में क्या क्या है? उबला हुआ आलू है, हाँ, उबला हुआ है, मिर्ची है, धनिया है। उबले हुए आलू में मिर्ची, धनिया और हल्दी डालना है और नमक डालना है और उसको मैश करना है। मैश करने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये ब्रेड को ऐसे लेना है, ओके, और ये सैंडविच टाइप आप बनाइए। ये बन गया सैंडविच। ये कितने रुपए का मिलता है? ये इसको काट के बेचेंगे 10 रुपए में एक बिकेगा। 10 रुपए में एक, मतलब एक में दो बनेगा ये। ओके, हाँ। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये देखिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। वन सेकेंड, एक और बार बताना चाहता हूँ। उबला हुआ जो आलू है उसमें आपने हल्दी डालना है और आपको नमक स्वाद अनुसार डालना है, जीरा डालना है भुना हुआ, हल्दी नमक जीरा और मिर्ची, दैट्स इट। उसको मैश करिए और ऐसा बन जाएगा। और फिर आपने ब्रेड के अंदर ऐसे इसे डालना है। ओके, आई वांट टू थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतने बिजी शेड्यूल में भी इन्होंने हमें टाइम दिया है। वेरी सिंपल है रेसिपी, इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं पकौड़ा भी टेस्ट करूंगा। और ये देखिए, ये स्लाइस आपको करना है, ये स्लाइस आप करिए। तो अब ब्रेड पकौड़े भी रेडी हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना, चलिए ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हम यहाँ पे बेसन लेंगे, ये एक मुट्ठी बेसन इन्होंने लिया है, दो मुट्ठी बेसन लिया है, क्या बात है। इसमें अब कितना पानी डालेंगे सर? पानी नहीं, नमक, नमक मिलाना है बेसन में, हल्का सा सोडा डाल रहे हैं और अंदाजन पानी। ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए कि? हाँ, ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ये ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। हम बताएंगे सिंपल ना। और ये आप इनके जो हाथ की मूवमेंट है उससे बता सकते हैं कि ये पिछले 20 साल से पकोड़े, मतलब सर आप तो नींद में भी पकोड़े बना सकते हो ना, आप एक्सपर्ट, इतने एक्सपर्ट हो। जल जाएगा नींद में बनाएंगे तो। अच्छा, नींद में बनाएंगे तो जल जाएंगे। एनीवेज, तो यहाँ पे ये पकोड़ा बन रहा है। घर पे जब पकोड़े बनाएंगे बच्चों के लिए मज़ा आएगा। नहीं बट नहीं रहा, देखो ये बेसन है जी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं बेसन की कंसिस्टेंसी, एक बार देख सकते हैं, स्मूथ होने तक आपको इसे मिलाना है। इतना तक चूना चाहिए बेसन। जी जी जी। और फिर ये आपने डिप कर दिया और ये गया अंदर, क्या बात है। सैम्पल द ब्रेड पकोड़ा, जिसकी भी रेसिपी हमने आपको बताई थी। और यहाँ पे एक और ग्राहक इनके आ गए हैं। भाई आपका नाम क्या है? परमानंद सिंह। परमानंद जी, ये आप खाइए और बताइए। वैसे गर्म है, मुंह जल जाएगा, संभालिएगा। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है, ऊपर क्रिस्पी है, अंदर सॉफ्ट है। और आपको मैं बता दूँ, ये गर्मा गर्म है और ये जो परत जो बन गई है ये देख सकते हैं, आय हाय, गर्म है एकदम ही, सुपर्ब है, फैंटास्टिक है। चलो परमानंद, तुम खाओ पकौड़ा और आप भी खा सकते हो, यहाँ पे आके खाइए तो घर पे बना के खाइए, क्योंकि अब खुल चुका है रहस्य रास्ते के जायके का। हाँ।